व्यूअर्स, तो मैं आज आप लोगों के साथ तुरई बना रही हूँ। तुरई बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं: ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद प्याज, 2 अदद तुरई ली है, और इसी के साथ जो है मैंने टमाटर का पेस्ट भी लिया है 1 कप। सबसे पहले जो है हम अपनी जो प्याज है उसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है तुरई, इस तरीके से आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। ये देखिए, ये मैंने ये प्याज अपनी चॉप कर रही हूँ, एक मैंने चॉप कर ली है, अभी मैं दूसरी चॉप कर रही हूँ। अब जो हम एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके प्याज ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई होने हो जाएगी तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, अब इसमें अदरक लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून जाएगा, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी इसमें 1/2 टेबल स्पून, और ज़ीरा और गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बग़ैर लाल मिर्चों के ये बना रही हूँ तो रही, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मोस्टली मैं पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती, सेहत के लिए इतनी ज़्यादा मुफीद नहीं होती हैं। इसमें फिर 1 कप जो है मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको हेल्दी तरीके से बनाया करें, लाइट मसालों के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार भी बनती हैं, हेल्दी भी रहती हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने टमाटर को इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब टमाटर अच्छी तरीके से भून जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर तुरई ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून रहा है। इसमें ऑयल भी बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि ये फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी देखिए शक्ल आई है। अब इसके अंदर जो है हम तुरई ऐड कर देंगे जो हमने इस तरीके से काटी हुई है। तुरई को ऐड करके इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने भूनना है और इसको ढक देना है। फिर ये देखिए, तुरई बहुत ही मज़ेदार बनती है और अच्छी लगती है। आप लोग भी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को ये रेसिपी से बहुत पसंद आएगी, और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करके खाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है तुरई। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि जो तुरई है ये अच्छे से गल जाए। 5 से 10 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही ढकूँगी। आप लोग चेक करती रहिएगा। ये देखिए, मैं ये चेक कर रही हूँ तुरई को। अब इसको मैं दोबारा से भूनूंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार ये तुरई ये बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र है कि मैं आप लोग को एक रेसिपी दे पा रही हूँ। और ये देखिए, तुरई जो है ये हमारी रेडी है। इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, हरी मिर्ची ऐड करूँगी, और जो है इसे डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत डाल दे। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।